हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथी रक्तदाता समूह ने किया 101 यूनिट रक्तदान। बाड़मेर आपातकाल में रक्तदान जीवन दान है। मानवता के लिए इससे बढ़कर नेक कार्य कोई और हो नहीं सकता। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचा सकता है। दुर्घटना या बीमारी का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। आज हम सभी शिक्षित और सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, जो सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों की भलाई के लिए भी साथी और हमदर्द के रूप में एक दूजे के बारे में सोचता है। बाड़मेर रक्तदाता समूह, मालाणी रक्तदाता समूह, खेम सिद्ध क्लब इत्यादि समूह रक्तदान के प्रति लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर कर जीवन दान देने के लिए बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। मुस्लिम समाज के साथी रक्तदाता समूह द्वारा इस पुनीत कार्य के लिए आगे आना गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक में आयोजित साथी रक्तदान शिविर कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कही। कार्यक्रम का आयोजन थार मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तहत साथी रक्तदाता समूह आम मुस्लिम समाज द्वारा जश्न ईद मिलाद के आगाज पर किया गया था। इस अवसर पर युवा मोमिन रक्तदाताओं सहित बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 101 यूनिट रक्तदान किया। बाड़मेर रक्तदाता समूह जो बाड़मेर का पहला समूह है, उसके बाद में मालाणी है और खेमसित क्लब है, इन तीनों क्लबों में हम बाकायदा जुड़े हुए हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी उसमें काफी जुड़े हुए हैं। और इससे पूर्व मुराद अली महर की जयंती पर भी एक महावीर नगर के अंदर विशाल रक्तदान शिविर हुआ था, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने करीब 325 यूनिट रक्तदान कर बाड़मेर में रिकॉर्ड कायम किया था। हमारा मकसद कोई रिकॉर्ड तोड़ने का नहीं था, हमारा मकसद मुस्लिम तबके जो पिछड़े हुए हैं, दूर दराज घाणी के हैं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना था, ताकि कोई भी मोमिन आपातकाल की स्थिति में, पीड़ित की स्थिति के अंदर अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे। इसलिए हमने इस समूह का नाम एक साथी रक्तदाता समूह रखा, ताकि एक साथी के रूप में, हमदर्द के रूप में उसके साथ में वो खड़ा रह सके और पीड़ित की पूरी तरह से वो मदद कर सके। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।